अंबेडकर की फोटो और दूसरे हाथ में संविधान की प्रति लेके चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून को खुशियां आएंगी। सर, आपकी तरफ से भी कहा गया है कि जो राम भक्त होगा वही सिंहासन पर राज करेगा, आप किस तरीके से देखते हैं विपक्ष के इसको, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, संविधान का सबसे ज्यादा माखोल कांग्रेस पार्टी ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों ने उड़ाया है, आज भी उड़ा रहे हैं। देश के अंदर स्वतंत्र भारत में अभी संविधान बना ही था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विपरीत जाकर के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने धारा 370 को देश के संविधान में जबरन डालने का काम किया था। देश के अंदर संविधान में जितने संशोधन किए, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने का कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली सरकार में किया गया था, और 1975 को कौन नहीं जानता है, संविधान का गला घोटने का काम इमरजेंसी के माध्यम से कांग्रेस ने ही किया, अन्य अवसरों पर भी कांग्रेस ने कार्य किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि SC ST और OBC को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए। UPA गवर्नमेंट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान जग जाहिर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। UPA सरकार के समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी SC ST और OBC के आरक्षण में सेंध लगाने की कुत्सित मंशा के साथ लाई गई थी। कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटक की सरकार ने OBC के आरक्षण को मुसलमानों को बांटने का बंदरबांट भी किया है वहां पे। तो संविधान का सर्वाधिक मखोल कांग्रेस ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह TMC हो, चाहे वह RJD हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने उड़ाया है। अरे, लोग लगातार आज भी यही प्रयास कर रहे हैं, इनके द्वारा यही कार्य किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2014-2012 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख किया था कि वह मुसलमानों को भी आरक्षण देगी। PAC में, उत्तर प्रदेश की PAC में 15% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था, घोषणा भी समाजवादी पार्टी ने की थी। समाजवादी पार्टी का जगजाहिर जो चरित्र है, जगजाहिर है। RJD में लालू जी पहले ही बोल चुके हैं कि बिहार के अंदर सभी मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ देंगे। TMC के एक फैसले को अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरी तरह पलट करके सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। इनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि भारत के अंदर पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालिबानी शासन, बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, माताएं बहने मार्केट और ऑफिस नहीं जा पाएंगे, बुरका पहन करके घर में दबा रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है, मोदी जी के नेतृत्व में किया भी गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश की पहली संसद में यह अधिनियम पारित हुआ जो महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण की सुविधा देता है। और BJP की घोषणा है कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, यह देश पर्सनल कानून से नहीं चलेगा और सरिया कानून से भी नहीं चलेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित जान करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। और भारत की जनता बहुत जागरूक है, वह मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाएगा और जनता की ओर से आवाज आ रही है अब तो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम भक्त ही राज